वेल तो फाइनली स्मैकडाउन इज़ ओवर एंड हाइप बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिला। सो इन सारी थिंग्स के ऊपर बात करने वाले हैं आज के मेन इवेंट के बारे में जो कि ओवरऑल इंटरेस्टिंग था। सो नाउ लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। माय नेम इज़ पंकज। सो वेल जैसा कि तुम लोग को बता दूं कि स्मैकडाउन की जो कि हमें एंडिंग जो कि मेन इवेंट जो स्मैकडाउन में मेन इवेंट हमें देखने को मिला वेल तो स्मैकडाउन का मेन इवेंट हमें फैटल फोर वे मैच देखने को मिला जो कि मैच था सेथ रॉलिंस केविन ओवेंस और जो कि बिग ई एंड इसके बाद तो जो हमें देखने को मिले शिंसुके नाकामुरा। सो मतलब फैटल फोर वे बहुत ही अच्छा खासा मैच हमें देखने को मिला एंड यहाँ पे ओवरऑल सभी सुपरस्टार इन्होंने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया एंड पूरा मतलब स्मैकडाउन बहुत ही अच्छा खासा लगा। स्मैकडाउन के अंदर मैचेस भी अच्छे खासे थे, क्वालिटी भी अच्छी थी एंड क्राउड का रिएक्शन बहुत ज़्यादा हिलेरियस था एंड ऑल आउट मतलब ऑल ओवर स्मैकडाउन बहुत ज़्यादा बेस्ट देखने को मिला एंड यहाँ पे फिन बैलर का रिटर्न भी देखने को मिला एंड ये जो फैटल फोर वे मैच था इसमें अच्छा खासा हमें मूव्स देखने को मिला जहाँ पे केविन ओवेंस का हमें बंप देखने को मिला एक अच्छा खासा खतरनाक वाला जहाँ पे वो शिंसुके नाकामुरा के ऊपर जंप कर लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा लैडर से जंप करते हैं जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है एंड ओवरऑल जो कि स्मैकडाउन ओवरऑल बहुत ही अच्छा देखने को मिला एंड इस फैटल फोर वे का जो हमें रिजल्ट देखने को मिला वेल तो इस फैटल फोर वे मैच में जीत लिया जो कि बहुत ही अच्छे खासे तरीके से सेथ रॉलिंस ने एंड सेथ रॉलिंस ने इस मैच को जीत लिया। तो क्या यहाँ पे इसके बाद तो मनी इन द बैंक लैडर पे चढ़ते हैं एंड मनी इन द बैंक को ब्रीफ केस को उतारते हैं एंड यही सेम थिंग क्या हमें मनी इन द बैंक में देखने को मिलेगा, क्या यही सेम थिंग वो मनी इन द बैंक में कर पाएंगे पेपर व्यू के अंदर एंड क्या वो मेंस लैडर मैच जीत पाएंगे जो कि ओवरऑल ये भी देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा एंड सो देखते हैं। सो मनी इन द बैंक में हमें क्या देखने को मिलता है, क्या सही में सेथ रॉलिंस जीते या फिर केविन ओवेंस जीते हैं, कौन सा सुपरस्टार हमें मनी इन द बैंक जीते हुए दिखाई देता है। सो ओवरऑल इंटरेस्टिंग रहेगा एंड आज का स्मैकडाउन जो था वो बेस्ट था। सो वेल आपका क्या ओपिनियन है आज के स्मैकडाउन के ऊपर मुझे कमेंट सेक्शन बताओ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक डिसलाइक से सब्सक्राइब जो भी करना कर सकते हो एंड आज ओपन मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। समय की मार है या मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेस को इसने आरकेओ था लगाया।